ये अंकल, ये अंकल ने तो मास्क पहना ही नहीं, ये मास्क बगैर पहन के ऐसे घूम रहे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे घर में भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ था। मुझे नहीं हुआ था बट मेरे फैमिली मेम्बर्स को हुआ था। बट अभी तो सब कुछ ठीक है, सब लोग रिकवर हो चुके हैं। सो आई फील लाइक मेकिंग द व्लॉग्स एंड कम बैक टू द रूटीन। तो गाइस, अभी मेरा बाहर एक आध दो काम है तो मैं बाहर जाने वाला हूँ। आपको दिखा दूंगा कि बाहर कैसा लॉकडाउन चल रहा है इन मुंबई, एंड आई विल क्विकली गो एंड क्विकली कम क्योंकि अननेसेसरी मुझे बाहर घूमना नहीं है, नहीं तो चलान कट जाएगा। एंड लेट्स सी कि कैसा है बाहर का नज़ारा। सो गाइस, अपने दोनों गाड़ी पे धूल लग चुकी है, देखो इसके ऊपर भी कितनी धूल है और ये तो उसकी हालत ही ख़राब है क्योंकि अभी सर्विस सेंटर चालू नहीं है तो मैं जा भी नहीं सकता बाहर वॉशिंग के लिए। और कोई नहीं, जैसे सर्विस सेंटर चालू हो जाएगा आई विल गो एंड आई विल वॉश बोथ द व्हीकल्स। गाइस, बहुत धूप है, आई थिंक 31-32 डिग्री टेम्परेचर है मुंबई का, और ये धूप जो है ना बहुत ऐसी लगती है हाथ पे। और गाइस देखो, ये लॉकडाउन जो चल रहा है ये मुझे नहीं लगता ये अभी लॉकडाउन निकलने वाला है क्योंकि अभी केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं मुंबई में, छोड़ो पूरे कंट्री में, क्योंकि लोग तो बाहर घूमते ही रहते हैं। और वो जो गवर्नमेंट का भी जो नया रूल आया है कि 7 to 11 के बीच में ही बाहर पड़ो, तो उसमें एक क्या होता है कि बहुत लोग आते हैं वो टाइम में और बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे अगर आप प्रिकॉशन लेना भी चाहो तो नहीं ले सकते क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, सबको सब्जी लेना है, सबको सामान खरीदना है घर के लिए, हाउस होल्ड आइटम्स लेने हैं, तो वेयर दे विल गो, वो तो उनका 7 to 11 का ब्रैकेट है वो उसी में आएंगे। तो गाइस, आप बहुत सारे, मैं अभी न्यूज़ देख रहा हूँ ना, बहुत सारे नेगेटिविटी उनमें बताई जाती है कि यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, फिर मोर्टेलिटी का रेट बढ़ रहा है, पूरे शहर में लॉकडाउन वापस से एक्सटेंड हो सकता है, एंड किसी को दवाई नहीं मिल रही है, किसी को वैक्सीन्स नहीं मिल रहे हैं, तो अभी जो कंडीशन जो है वो बहुत गंदी होती जा रही है। तो आई थिंक ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, ये हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के रिस्पॉन्सिबल बने और उस तरह से बिहेव करें। अननेसेसरीली बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। देखो अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक अर्जेंट काम है, अदरवाइज़ तो मैं इतने दिनों में बाहर ऐसे घुमा ही नहीं हूँ। इट इज़ जस्ट के मुझे इम्पोर्टेंट काम है करके मेरे को आज जाना पड़ रहा है। अदर देन दैट, अगर आप बहुत से लोग देखोगे तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं। बाकी देखो भाई, लॉकडाउन तो है लेकिन इतने लोग बाहर जा रहे हैं, ऑफकोर्स किसी ना किसी का अर्जेंट काम ही होगा, कोई जॉब पर जा रहा होगा या फिर किसी हॉस्पिटल में जा रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, देयर शुड बी सम रीज़न। भाई ये अंकल ने तो मास्क पहना ही नहीं, ये मास्क बगैर पहन के ऐसे घूम रहे, अभी इनको क्या बताए कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। देखो ऐसे लोग रहते हैं जिनकी वजह से ये कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, चलो अगर उनको भी नहीं होगा तो किसी और को होगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो और 10 जन को इन्फेक्ट करेंगे। तो गाइस, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए हमको भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि हम मास्क पहन के घूमें, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए उनको फॉलो करें, नहीं तो क्या है ये लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ते जाएगा और फिर जो लोग घर पे है वो घर पे रहेंगे, फिर जो रिसेशन आने वाला है वो रिसेशन हमको झेलना होगा। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जॉब वाले भी घर पे है, बिजनेसेस जिनके हैं वो बिजनेसेस भी इतने चल नहीं रहे, और मतलब सब जगह हालत ख़राब ही है। तो गाइस, अभी मैंने जो ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन, मुझे नहीं पता मेरे घर में भी कैसे इन्फेक्टेड हुए थे लोग, बट येस मेरी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हुई थी। शायद सब्जी लेने जाते हम लोग या फिर कुछ घर का सामान लेने जाते तब कुछ हुआ रहेगा, बट येस इट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो हम लोगों ने शुरुआत से ही मेडिसिंस लेना शुरू कर दिया एंड दे हैव गॉट रिकवर्ड, तो अभी सबका नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है, तो आई थिंक अभी मैं ही बचाऊँ। शायद मुझे भी स्मेल चला गया था, तो आई थिंक मेरे को भी इन्फेक्शन होके गया बट वो इतना सीवियर नहीं था। तो मैंने जब कोरोना का टेस्ट किया था तो मुझे कोविड-19 नेगेटिव आया था, मैं पॉजिटिव नहीं था, तो मुझे भी होके गया है आई नो, बट उसका मेरी जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ रही थी एंड इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ मुझे। तो बहुत सारे मेरे करीब के दोस्त हैं जिनके फैमिली में ये इन्फेक्शन हुआ एंड देयर पेरेंट्स देयर रिलेटिव्स गॉट सीवियर और उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, एंड अनफॉर्चुनेटली फ्यू ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स।
तो गाइज़ वो बहुत दर्दनाक होता है कि अब आपके फैमिली मेम्बर जो कल तक आपके साथ में थे वो आज अचानक से आपके जुदा हो रहे हैं, मतलब वो आपको छोड़ के जा रहे हैं एंड इट इज़ जस्ट फॉर अ शेयर निगलिजेंस। तो हमारा एक छोटा सा निगलिजेंस रहता है ना कि हम लोग केयर नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइज नहीं करते हाथ को, दूरी बनाए नहीं रखते, भीड़ में जाना नहीं रोक पा रहे हम लोग खुद को। तो वो है, वैसी चीज़ें है, ये कुछ फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं एंड देन उसकी हमें बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन दोज हु आर वॉचिंग दिस व्लॉग, जो जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर मत पड़ो। लॉकडाउन किया है तो देखो, लॉकडाउन किसी को अच्छा नहीं लगता, गवर्नमेंट को भी करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है उसमें। तो लॉकडाउन अगर किया है तो अपने बेनिफिट के लिए किया है, उसमें आप किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभाओ और फिर बाद में क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि क्या है, अपनी छोटी सी गलती हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी भुगतनी पड़ती है। तो देखो, आप जितना हो सके उतना आप घर में रहो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में रहो और प्रिकॉशन लो, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो गाइस, मैं अभी आया हूँ ये स्टेशन रोड पे, स्टेशन रोड पे मुझे काम है और काम होते ही फटक से मैं घर पे जाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी लॉकडाउन होने के बावजूद इतनी भीड़ है और मैं खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ ये सब भीड़ में। तो मेरा जितना भी काम हो जाएगा मैं काम ख़त्म करके निकल जाऊँगा घर पर। तो गाइस ये देखो साई मंदिर विरार का, जो बहुत टाइम से बंद है और मुझे भी जाना है। जैसे मंदिर खुलेगा थोड़ा मैं दर्शन करके आऊँगा, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको। और गाइस जो काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, बाद में कभी आके देख लेंगे जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा। तो अभी चलते घर पे यार, क्योंकि बहुत धूप है, मतलब अभी गाड़ी है इतनी नहीं है, फिर भी अभी इतनी हीट बढ़ रही है, पता नहीं यार क्या हो रहा है क्लाइमेट में, बहुत ड्रास्टिकल चेंज हो रहा है। ऐसा बोलते हैं कि अगर हीट बढ़ती है तो बारिश भी उतनी ज़्यादा आती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी ये एक 20-25 दिन निकाल लें, फिर जून शुरू हो जाएगा और फिर बारिश शुरू हो जाएगी होपफुली, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। भाई ये अभी अपने इंडिया में जो सीजन्स रहते हैं ना, तीन सीज़न है, समर, रेनी एंड विंटर। तो आई फील, मेरे को तो ऐसा लगता है कि विंटर इज़ द बेस्ट, क्योंकि देखो जो ठंडी रहती है ना वो परवड़ जाती है, लेकिन जो हीट है और बारिश भी चलो थोड़ा एंजॉय करने मिलता है। कुछ कुछ लोगों को बारिश पसंद आती है, दे गो टू हिल स्टेशन एंड एंजॉय देयर लाइफ, बट मेरे को प्रिफरेबली अगर आप पूछो तो आई लाइक विंटर सीजन, क्योंकि क्या है, विंटर में एकदम क्लाइमेट भी प्लीजेंट रहता है, ये इतनी गर्मी नहीं रहती है एंड यू डोंट गेट टायर्ड। अब ये क्या है, ये गर्मी में है ना आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हो एंड देन यू फील टायर्ड, फिर आपको कुछ करने का मन भी रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे ड्यू टू दिस टायर्डनेस। तो क्या है, थोड़ा बॉडी को डिहाइड्रेट रखना पड़ता है कंटिन्यूसली, अदरवाइज बहुत बॉडी लथार्जिक हो जाती है, यू फील रेस्टलेस, यू फील डिसएनर्जाइज्ड। सो गाइस द टाइम इज़ 1 o'clock नाउ, तो अभी खाने का टाइम भी हो गया है, तो मम्मी के घर पे जाके खाना खाऊंगा एंड देन विल कम टू माय प्लेस, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अपना खाना खा के हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ अभी। लेट्स सी, अभी मेरा काम था मेरे दोस्त के पास, देखते हैं अगर वहाँ पे मिला वो अवेलेबल है तो जाऊँगा, नहीं तो फिर सीधा घर पे। सो गाइस मेरा पहला वाला काम था वो नहीं हुआ, और सेकेंड वाला काम था वो हो गया, जो मेरे को दोस्त को मिलने का था और वो वाला काम हो गया है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी घर पे जाऊँ, और घर पे जाने से पहले एक बात पूछना चाहता था कि मैं अगर डेली व्लॉग बनाऊँगा तो डेली व्लॉग में आपको दिखाऊँगा क्या, क्योंकि दिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं ऐसा, क्या क्योंकि हम बाहर जा ही नहीं सकते, आज बाय चांस मैं बाहर पड़ा, अदरवाइज़ मेरे को आपको डेली लाइफ दिखानी पड़ेगी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यू नो शूट माई डेली लाइफ और वो आपके सामने लाऊँ, आपके साथ में शेयर करूँ, अदरवाइज़ देखेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं आया तो आई विल डिसकंटिन्यू। फिर वो लॉकडाउन के बाद में जब भी हम लोग बाहर जाएंगे या कुछ करने को रहेगा प्रोडक्टिव तो ही मैं आपको दिखाऊंगा। सो एज ऑफ नाउ आई एम हेडिंग टू होम। तो ये वाला जो रोड है ना, मैंने ये इतना खाली कभी नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फोटोग्राफी होती रहती थी, मतलब कोई आ रहा था इंस्टाग्राम वीडियो बनाते थे, ये वाले रोड पर कोई फोटोग्राफी होता था, लाइक जो रहता ना कपल्स फोटोशूट रहता है वो होता था, बट अभी फ़िलहाल के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, पूरा का पूरा रोड एकदम सुनसान है। सो गाइस अभी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि खाना खाया ना, तो खाना अभी आँख पे आया है और आई कांट रेजिस्ट,
आई विल ट्राई नॉट टू स्लीप, बट पता नहीं अभी घर पे जाके जो सिचुएशन रहेगा ना उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि सोना है कि नहीं सोना है. एंड वन थिंग आई लाइक अबाउट वेयर आई लिव इन माई सोसाइटी इज़ कि जब आप बाहर से आते हो तो आपका टेम्परेचर लिया जाता है और आपके हाथ को सैनिटाइज किया जाता है. तो ये देखो गार्ड है हमारे, वो टेम्परेचर लेंगे प्लस सैनिटाइज भी करेंगे. थैंक यू. सो दिस इज द प्रिकॉशन दैट वी टेक. तो ऐसे ही अगर हर सोसाइटीज या हर विजिनिटीज वाले जो भी है जितने लेंगे तो आई थिंक वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. सो गाइज मैं आके सीधा लेट गया था बेड पे और कब नींद लगी पता ही नहीं चला और बहुत ज़बरदस्त नींद लग गई और 2-3 घंटे की नींद लेके उठा. सो गाइज अभी रात का प्लान कुछ ऐसा है कि कुछ दोस्त आने वाले हैं घर पे और थोड़ा बहुत हैंग आउट का प्लान होने वाला है. तो लेट्स सी कि क्या करने वाले, पता नहीं. इफ दे आर कम्फर्टेबल देन ओनली आई विल शूट, अदरवाइज मैं वो व्लॉग में कवर नहीं करूँगा. सो लेट्स सी. सो गाइज कल रात को दोस्त लोग आए थे एंड दे वर नॉट सो कम्फर्टेबल विद द कैमरा, सो आई डिडंट शूट. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद हम लोग एक साथ मिले थे एंड वी हैड फन. और उसके बाद में मस्त तगड़ी नींद लेके उठाओ अभी. सो गाइज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीजन डू हिट द लाइक बटन. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो. और अभी नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ तो टिल देन टेक केयर एंड कल वाला ब्लॉग देखना.